साथियों, जब भी कभी आपके सर में दर्द होता है तो आप क्या करते हैं? मेडिसिन खाते हैं। अच्छा, ये बताइए, जब भी हमारे शरीर के जिस हिस्से में दर्द होता है तो हमारे हाथ स्वाभाविक रूप से उस अंग की तरफ जाते हैं कि नहीं जाते? जैसे सर में दर्द हुआ तो हमारे हाथ ऑटोमेटिकली सर की तरफ जाएंगे और दबाएंगे। पैरों में दर्द हुआ तो हाथ स्वाभाविक रूप से पैरों की तरफ जाते हैं और दबाते हैं। पेट में दर्द हुआ, हाथ स्वाभाविक रूप से पेट की तरफ जाते हैं। छोटा बच्चा है, वो चलते चलते दौड़ते दौड़ते गिर गया, गुल्ला पड़ गया उसके सर में, रोता हुआ वो आपके पास आया, तो आप क्या करेंगे? अपने हाथ को रखेंगे उस गुल्ले के ऊपर और धीरे धीरे से दबाएंगे। यही एक्यूप्रेशर है। एक्यूप्रेशर मतलब चिकित्सा की वह पद्धति जिसमें हम दबाव देके चिकित्सा करते हैं, एक्यूप्रेशर कहलाता है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ भी हो जाए, सबसे पहले हम एक्यूप्रेशर ही करते हैं। कहीं पर भी दर्द हो, गिरने पे, चोट लगने पर, कहीं भी दर्द का एहसास, तो हमारा हाथ उस तरफ जाएगा और एक्यूप्रेशर करेगा। ब्रांचेस ऑफ एक्यूप्रेशर में पिछले वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ बहुत डिटेल में, और उसी में जिक्र आया था लास्ट में सुजोक थेरेपी के बारे में, कि जो कि सबसे एडवांस और लेटेस्ट टेक्निक है। सुजोक क्या है? आपने नहीं सुना होगा इसका नाम, क्योंकि ये हिंदी का शब्द नहीं है, ये कोरिया का शब्द है। कोरिया के थे प्रोफेसर पार्क जेबू, उन्होंने इस चिकित्सा की खोज की, सुजोक थेरेपी की। उन्होंने एक स्लोगन दिया लॉ ऑफ कॉरेस्पोंडेंस में कि हमारा शरीर कैसा, हमारे हाथ और पैर जैसा। आपको बड़ा अजीब लगेगा सुनके कि हम सबके पास अपने हाथ हैं, और गौर से देखें तो कहीं भी हमें अपना हाथ शरीर जैसा नहीं दिखाई देगा, लेकिन उनको दिखाई दिया कि हमारा शरीर कैसा, हमारे हाथ और पैर जैसा। और तब उन्होंने सुजोक थेरेपी की नींव डाली और उपचार किया। ये बताएं कि यदि आज हम जान भी लेंगे कि ये सुजोक थेरेपी है, तो इससे हमें बेनिफिट क्या होने वाला है, क्या लाभ होने वाला है? देखिए, सबसे पहला लाभ तो ये कि हमारा शरीर तो एक है, यदि बीमार होंगे तो हम अपने इस एक शरीर पर ही उपचार कर सकते हैं, लेकिन सुजोक के हिसाब से हमारा जो शरीर है वो हाथों में और पैरों में है, तो हमारे पास दो हाथ और दो पैर हैं, तो हम चार गुना ट्रीटमेंट कर सकते हैं, यानी हम 4 times बेटर और क्विकर रिजल्ट्स दे सकते हैं। दूसरा, सपोज हमारे पीठ में या कमर में दर्द हो गया, तो हमारे हाथ तो स्वाभाविक रूप से कमर या पीठ में जाएंगे नहीं कि हम जाएं और प्रेशर दें। इट मीन्स हम डिपेंडेंट हो गए दूसरे के ऊपर कि दूसरा आए वो हमें प्रेशर दे। यदि हम सुजोक थेरेपी को जानते होंगे या हमें क्लियर होगा सुजोक थेरेपी, तो हम समझ सकते हैं कि कमर का या पीठ का वो हिस्सा हमारे हाथों में और पैरों में कहाँ है। तो हाथों में जाकर, पैरों में जाकर हम अपना ट्रीटमेंट इजी गोइंग में कर सकते हैं, और चार गुना ट्रीटमेंट, जैसे कि बताया कि हम 4 times बेटर और क्विकर रिजल्ट्स दे सकते हैं। तो ये बेनिफिट है सुजोक थेरेपी का। आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कैसे सुजोक थेरेपी के जरिए हम अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर ऋचा वार्ष्णेय, संभव नेचर क्योर हॉस्पिटल लखनऊ से स्वागत करती हूं आप सभी का घर बैठे चिकित्सा कार्यक्रम में। साथियों, स्टार्टिंग में जब हमने चैनल शुरू किया था, एक वीडियो मैंने डाली थी जिसमें कि सिमिलरिटीज मैंने बताई थी कि हमारे शरीर की क्या समानता है हाथों और पैरों से सुजोक थेरेपी के हिसाब से। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि उस वीडियो को आप जरूर देख लें, ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए कि हमारे हाथ की हर उंगली किस अंग को रिप्रेजेंट कर रही है। उसके लिंक में आप देखेंगे मैजिक ऑफ एक्यूप्रेशर, जब आप देखेंगे, डालेंगे यूट्यूब में मेरा नाम और मैजिक ऑफ एक्यूप्रेशर उस वीडियो का टाइटल है, तो वो वीडियो ओपन हो जाएगी। आज मैं बात करूंगी, क्योंकि टाइम नहीं वेस्ट करना दोबारा से फिर उसी चीज को रिपीट करके, कि आप कैसे अपने को ठीक करेंगे। तो सुजोक के हिसाब से ये दोनों हमारे हाथ थे और ये दोनों उंगलियां हमारे पैर थीं। ये हमारा गला, ये हमारा चेहरा, ये हमारे आगे का हिस्सा, ये हमारे पीछे का हिस्सा, बिल्कुल ऐसे ही दोनों हाथों में है। कहीं पर भी दर्द होने पर सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे पूरे शरीर में दर्द है
जो कभी भी हो जाता है या किसी पर्टिकुलर हिस्से में हो तो बताऊंगी, पूरा ही शरीर दर्द कर रहा है, तो लेके अपने हाथों को आप धीरे 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 दोनों ही अपने हाथों से ऐसे ऐसे एक वन बाय वन करके दबा सकते हैं। ऐसे दबाना है जो ये चैनल्स बने हुए हैं, हर फिंगर के बीच में जो ये चैनल्स हैं, इन चैनल्स पर आप ऐसे ऐसे प्रेशर देंगे, अपने उंगली का ऐसे बना लेंगे और अपने ही इन उंगलियों के टिप से धीरे 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 आप ऐसे ऐसे जो ग्रूव्स बने हुए हैं इनमें आप प्रेशर देंगे। ये आप दोनों ही हाथों में ट्रीटमेंट को करेंगे, इसमें भी और इधर से, इस वाले हाथ में इधर से कई बार कर सकते हैं। जब भी आप खाली बैठें तो ये आपको करना ही करना है दोनों हाथों में। इसके अलावा सारी की सारी फिंगर्स को ट्विस्ट करना है। जैसे सर में कभी दर्द हो गया तो आपको पता है कि ये वाला हिस्सा हमारे सर का है, तो आप लेंगे और धीरे 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 जो थम की टिप है इसको आप धीरे धीरे ट्विस्ट करेंगे और दबाएंगे। माइग्रेन होने पर, सर दर्द होने पर, वैसे भी यहाँ पर जो पॉइंट आएगा वो सब बीमारियों का एक इलाज का है, तो आप ये तो आप दबा ही सकते हैं। देखेंगे कि जब भी सर में दर्द हो रहा है और ऐसी जगह पे है कि ना मैग्नेट्स लगा सकते हैं ना कलर लगा सकते हैं, केवल एकमात्र आपका चारा है कि आप केवल प्रेशर ही दे सकते हैं, तो दीजिए इस पे प्रेशर और देखिए कैसा जादू हो जाता है, दर्द कैसा छुमंतर हो जाएगा आपका। ये करना, हाथों में कहीं पर भी दर्द, शोल्डर में पेन आ गया, आपके एल्बो जॉइंट में आ रहा है, रिस्ट फोल्ड में आ रहा है, तो ये हमारी फिंगर है, आप लेकर ट्विस्ट कर सकते हैं, ये जिस जॉइंट पर है उस जॉइंट पर आप प्रेशर दे सकते हैं। केवल सिंपल ट्विस्ट भी करना है, ट्विस्ट करते चले जाएंगे क्योंकि मूवमेंट चाहिए। जहाँ पर भी पेन होता है इसका मतलब कि कहीं रुकावट है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है। हम जब यहाँ पर स्टिमुलेट करेंगे, मूवमेंट करेंगे जॉइंट्स का, तो वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन तेजी से होगा और जो पेन आ रहा था पेन में हमें राहत हो जाएगी। ऐसे ही यदि पैरों में पेन आ रहा है, ये आपका हिप जॉइंट हो गया, ये बीच वाला नी जॉइंट और सबसे जो नीचे है ये एंकल जॉइंट। बुजुर्गों के घुटनों में काफ़ी तकलीफ होती है, बहुत परेशान रहते हैं अपने घुटनों के दर्द से, तो वो जब भी खाली बैठें आप ऐसे आदत बना लीजिए फिंगर्स को ट्विस्ट करने की, तो देखिएगा कि कितनी तेज़ी से जो आपको दर्द हो रहा था उस दर्द में आपको राहत आनी शुरू हो जाएगी। तो आप ये चारों उंगलियों में और इधर भी आप कर सकते हैं। बेस्ट है एक्चुअली जो ये रिंग है, सुजोक रिंग, नाम ही इसका है सुजोक रिंग, मैं पहले भी और वीडियोस में बता चुकी हूँ इस रिंग के बारे में, तो ये बहुत अच्छा है पेन के लिए। जैसे हम मसाज करते हैं पूरे शरीर की, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, उसी प्रकार से जब हम इस रिंग को अपनी सारी फिंगर्स में फिराते हैं तो बहुत तेज़ी से वहाँ का जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और हमें दर्द के साथ साथ और भी बीमारियों में आराम मिलता है। तो अंगूठे में करना है, पहन के नहीं बैठनी है, धीरे 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 हमें ऊपर नीचे करना है इसको। और अंगूठे में किया तो हमारा गला, हमारा नेक, गर्दन और चेहरा, सर, सब इसने कवर कर लिया। इस फिंगर में गए तो बिल्कुल ऐसे ही इसने शोल्डर जॉइंट्स, टेनिस एल्बो किसी को हो रहा है, रिस्ट पोल में हो रहा है, हाथ सुन्न हो रहे हैं, दर्द हो रहा है रात में, तो देखिएगा कि जब आप ज़्यादा समय तक इस सुजोक रिंग को करेंगे तो सब चीज़ों में आपको आराम आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही घुटने की कोई तकलीफ है, मोच आ गई, हिप जॉइंट में कोई तकलीफ है, साइटिका की प्रॉब्लम है, उठा नहीं जाता, जो लोग बैठ जाते हैं बैठ के उठने में तकलीफ है, बिल्कुल ऐसे ही ऐसे धीरे 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 आपको ऊपर नीचे करना है। और देखिए बड़े छोटे छोटे से निशान भी बन जाते हैं, दिख रहे हों आपको, तो दोनों ही हाथों में देखिए अभी मैंने किया और अंतर देखिए, छोटे 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 से निशान बन गए। बिल्कुल ऐसे ही आपको और सारी उंगलियों में भी करना है। ये ट्रीटमेंट आपका दोनों ही हाथों में होगा, ये आपके जनरल ट्रीटमेंट है उंगलियों में, किसी भी समय कर सकते हैं, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है कि आपको इतना ही करना है, खाने से पहले करना है कि खाने के बाद, जब भी आप करना चाहें। आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, आप सफर में हैं, आप टीवी देख रहे हैं, एक आदत बना लीजिए, बहुत हैंडी है, अपने पर्स में रख सकते हैं, और इसको जब आप करेंगे तो स्वाभाविक तरीके से शरीर की मसाज हो जाती है और आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। दूसरा, अब बात आती है इंटरनल ऑर्गन्स की, तो ये पूरे की पूरे इस जगह पर हथेली में हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं,
इधर हमारी स्पाइन है, बहुत लोगों को पीठ में दर्द होता है, कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, तो ये जो इस एरिया है ये स्पाइन का, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सर्वाइकल की, फिर ये थोरासिक शुरू हुआ 7 तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी की रीढ़ की हड्डी, फिर आई थोरासिक से 7 से लेके 12, फिर लंबर, फिर सैक्रल, फिर कॉर्सेक्स, पूरी रीढ़ की हड्डी। तो पर्टिकुलरली यदि किसी रीढ़ की हड्डी में आपको प्रॉब्लम है तो आप किसी भी कुंद चीज से, मेरे पास तो ये है, आपके पास यदि प्रोब नहीं है आप सिंपल माचिस की तीली लीजिए, घर में माचिस की तीली तो सबके पास होती है, माचिस की तीली से भी आप प्रेशर दे सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा भी प्रेशर नहीं देना, यदि आपका प्रेशर ज्यादा होगा तो वो तीली टूट जाएगी, है ना, कम होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा, तो आप बिल्कुल उससे प्रैक्टिस कर लीजिए, आप माचिस की तीली से दे सकते हैं, और धीरे 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 यहाँ है तो एक लाइन खींच लीजिए, बिल्कुल सीधी लाइन, ऐसे प्रेशर, तो आप सीधी 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 लाइन में ऐसे प्रेशर दे सकते हैं, और उसके फिर साथ साथ में आप प्रेशर दे सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि आप सारे के सारे इंटरनल ऑर्गन्स भी कवर हो जाएंगे, और जिस एरिया में कलर चेंज हो गया या आपको लगेगा कि दबाने से कहीं पर्टिकुलरली किस हिस्से में दर्द हो रहा है, आप उस हिस्से में ज़्यादा भी प्रेशर दे सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दबा दबा के प्रेशर नहीं देना, यानी कि कई बार आप प्रेशर देंगे, हमें बहुत दर्द नहीं कर देना दबा दबा के, दर्द तो पहचान है, बता रहा है कि इंटरनल ऑर्गन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आपको धीरे 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 प्रेशर देके आप तब तक उसको स्टिमुलेट करेंगे पॉइंट को जब तक दर्द पूरा निकल ना जाए, इस प्रक्रिया में कुछ दिन भी लग सकते हैं, तो उस हिसाब से जब आप प्रेशर देंगे दोनों ही हाथों में तो देखिएगा कि बहुत सारी चीज़ों को, भले आपको नहीं पता कि ये हार्ट का पॉइंट है, ये इंटेस्टाइन का पॉइंट है, ये लीवर का है, कुछ भी नहीं पता, लेकिन तब भी यदि आपने कुछ कर दिया, प्रेशर दे दिया, तो कुछ गलत नहीं कर लेंगे, कोई साइड इफेक्ट नहीं हो जाएगा, आप अपने को अपने स्तर पर ठीक कर सकते हैं बिना डॉक्टर के पास जाए हुए। तो एक सामान्य सा उपचार यदि आपने इसको अपनी दिनचर्या में कर लिया तो देखिएगा कि बहुत जल्दी से आप अपने को बहुत जल्दी से ठीक कर सकते हैं। साथियों आज के लिए बस इतना ही, आप मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आपको और भी मिले तब भी आप नीचे हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं, या आपकी कोई समस्या जिसका समाधान आप सुजोक थेरेपी से, एक्यूप्रेशर थेरेपी से जानना चाहते हैं तो भी आप हमें नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा साथियों यदि आपका मन है इस चिकित्सा विधा को सीखने का तो हम कॉरेस्पोंडेंस के जरिए सिखाते भी हैं, आपको भी ज़रूर सिखा देंगे, इसके लिए आप हमें मेल भी कर सकते हैं या नीचे कमेंट्स में लिख भी सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ किसी और वीडियो में किसी और नई बात के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।